नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राई, और आप मेरे YouTube चैनल पहाड़ों का राई देख रहे हैं इस समय। और आज हम एक ऐसे फल की बात करने वाले हैं जो दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने अक्सर स्कूल से आते वक्त या कहीं जाते वक्त सड़कों के किनारे, रास्तों के किनारे इस फल को देखा होगा और इसका लुत्फ भी उठाया होगा। तो आइए जानते हैं इस फल का नाम और इस फल के फायदे। तो इस फल को कहा जाता है किंगोड़ा। हम इसको किंगोड़ा कहते हैं पहाड़ों में। और आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ इस बार, इस समय किंगोड़ों के पेड़ के सामने बिल्कुल खड़ा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जब फल आता है तो सबसे पहले एक छोटा सा फूल बन के आता है, ठीक है, पीला सा फूल होता है। उसके बाद धीमे धीमे ये हरा होने लग जाता है, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे हाथ में ये है इस टाइप का, ये काला पड़ जाता है। तो इसको अगर हम खाएंगे तो ये हल्का सा खट्टा, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा भी होता है, फिर मीठा भी, मतलब अलग अलग टाइप के जो स्वाद आता है इसमें। बहुत ज़्यादा टेस्टी फल है ये। और दोस्तों, जो है टेस्ट के अलावा इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे दवाई बनाई जाती है इस फल से। सबसे बड़ा उपयोग इसका जो है, जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह बोलते हैं, तो शुगर की बीमारी जिसे होती है खासकर, उसके लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा काम में आता है फल। तो हमारे पहाड़ों में आजकल ये फल तो वैसे लुप्त होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि अब जो है खेतों में पानी वगैरह सब बंजर पड़े हैं, तो इनके जड़ों को पानी पहुँच नहीं रहा है, तो इनकी प्रजाति धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। लेकिन औषधीय गुण इनके बहुत अच्छे हैं, कई चीज़ों में ये काम आता है। अगर आप कहो आँखों के लिए भी इसकी दवाई बनाई जाती है, और जो है पाइल्स की भी इसकी दवाई बनाई जाती, पाइल्स के लिए भी इसकी दवाई बनाई जाती है। कई तरीके के रोग हैं, त्वचा रोग हो, उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। ये जो पेड़ है आप देखेंगे, इस पर जो है हल्के हल्के कांटे भी होते हैं, थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, ये कांटे जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये कांटे हैं बिल्कुल, तो इस पे कांटे भी होते हैं, नुकीले कांटे। और हम लोग इसको ऐसे तोड़ के, और बचपन में ऐसे खेलते भी थे किसी दूसरे के लगाने का, या यहाँ पे ऐसे मिला के दूसरे से हाथ मिलाते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, तो इस टाइप की क्रियाएं हम करते थे गाँव में जब रहते थे। और ये जो फल है वाकई में, एक बार टेस्ट हुआ कर लेते हैं, कुछ और है जो ज़्यादा पके हुए होते हैं, थोड़े मीठे ज़्यादा होते हैं, लेकिन मज़ा आता है इनको खाने में, बहुत लाभदायक पौष्टिक फल है ये। और आप लोग अगर कभी पहाड़ में आओ तो ज़रूर इस फल का आनंद लीजिए। ये जो महीना चल रहा है, मई जून जुलाई, जुलाई तक पे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जून में आप इसको खा सकते हैं, बढ़िया ढंग से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा और फल तोड़ देता हूँ ऊपर से अपने लिए। बहुत ही स्वादिष्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि बहुत गुणकारी ये फल है, और मज़ा आता है इसको खाने में। आप देखेंगे ये मैं और भी तोड़ रहा हूँ, बिल्कुल काले काले पड़ चुके हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जब हम बचपन में हुआ करते थे तो इसको हम ऐसे करते थे, इसको हम ऐसे करते थे, आप देखोगे इस पर बिल्कुल जो है लाल कलर का ये निकल रहा है, और हम लोग इसको ऐसे माथे पे लगाते थे जब बचपन में होते थे, ऐसे स्कूलों पर जब था, हम खेल कूद करते थे तो अब ऐसे तरीके से लगाते थे, और कहते थे यार मेरे तो खून निकल रहा है। तो इस टाइप की क्रियाएं हम लोग करते थे बचपन में। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को अपनी बचपन की यादें जो है ताज़ा होगी। और अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये किंगोड़े हैं, बहुत सारे किंगोड़े मेरे हाथ में हैं, अभी आप देख पाएंगे। और इन सबको जो है कई लोग जो है एक साथ रख के भी खाते हैं, एक एक करके खा रहा था मैं अभी तो, लेकिन आप ऐसे भी करके, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़े से शायद कम पके हो, लेकिन वाकई में ये फल पहाड़ों की शान है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो बहुत लाभकारी हो सकता है, ये एक स्वरोजगार के तौर पे भी इसको उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा कोशिश यही है कि जो है आप लोगों को पहाड़ों की जो है हर चीज़, चाहे वो संस्कृति हो, कला हो, स्वरोजगार हो, हर तरीके से आप लोगों को जोड़ना
और वहाँ की बातें जो शहरों में रह रहे हमारे भाई बंधु गांव-गांव तक उन्हें ले जाना अपने चैनल के माध्यम से, तो मेरा प्रयास निरंतर जारी है। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भाई बंधु भी इस तरीके से जो है वीडियो का लुत्फ़ ले सकें, अपने यादों को ताज़ा कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।